पिछले भी वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैं आपको लेके आया था आगरा से मथुरा। बोला हम लोग पहले लखनऊ से आए थे, आगरा से ताजमहल, फिर रेड फोर्ट, उसके बाद आगरा से आए मथुरा। और मथुरा में आके हमको थोड़ा करना सिटी को एक्सप्लोर करके दो तीन दिन की छुट्टियाँ थी। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली और पूरी ब्रज भूमि की सबसे पावन स्थल मथुरा और वृंदावन, दो मतलब एक ऐसे दो शहर जो मतलब काफ़ी फेमस है श्री कृष्ण भगवान के, मतलब उन्होंने मतलब यहाँ के श्री कृष्ण भगवान का जन्म यहाँ पे हुआ था मथुरा में, और जितनी उनकी रासलीलाएँ थी सब वृंदावन में थी। तो यहाँ के कुछ फेमस टेंपल हैं, तो पहले दिन हम लोग अभी हैं, रुके हैं मथुरा में। तो मथुरा में हम आपको कुछ मतलब मथुरा के जो फेमस प्लेस हैं वो हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है कंस का महल, जहाँ पर कंस मतलब रहते थे। और उसके बाद जन्मस्थली जो है श्री कृष्ण भगवान की, वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, वो मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा कि कैसे दिखती है जन्मस्थली, क्योंकि उसने मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ पर मोबाइल अलाउड है, मोस्टली मतलब बहुत जगह पर मोबाइल अलाउड है नहीं, और ज़्यादातर मतलब आपको ऐसा, लेकिन ये अभी जो कंस का महल है ये बना हुआ है बिल्कुल आपके यमुना तट पे। तो शुरुआत करते हैं हम कंस के महल से, इसके बाद देखेंगे आगे आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मथुरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो दिल्ली से बिल्कुल पास में है। आप यहाँ बाय ट्रेन आ सकते हैं, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपको आगरा। तो मथुरा जो है पूरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए काफ़ी फेमस है। श्री कृष्ण जी का जन्म यहाँ मथुरा में हुआ था। यहाँ का सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त बहुत खूबसूरत होता है, और मथुरा के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो मथुरा में घूमने के लिए आपके पास है पहले कंस का महल, साथ में यहाँ पर विश्राम स्थल है, आप यमुना जी में स्नान कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारिकाधीश मंदिर है और बिरला टेम्पल है। ये कुछ मुख्य जो मतलब घूमने वाले प्लेस हैं मथुरा के, वो ये सब चीज़ें हैं। और आप मथुरा में आके यमुना जी के किनारे सुकून के पल अपने बिता सकते हैं। सुबह सुबह का जो सूर्योदय होगा तो यहाँ से उसका बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और आप फिलहाल हम लोग हैं कंस के महल में, तो कंस के महल से हमने शुरुआत की हुई है। आप यहाँ आके स्नान कीजिए, कंस का महल देखिए, स्नान कीजिए, साथ में आप कर सकते हैं नौका विहार भी, नाव से आप पूरा ये तट पूरे घूम सकते हैं, विश्राम स्थल तक आ सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और शाम की आरती भी देखते हैं लोग आके। तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही नगर निगम पार्किंग के पास बहुत सारे लॉज और बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जो आपको 800 to 1500 तक आपको आराम से मिल जाएगी। ये अकॉर्डिंग सीजन है, सीजन के हिसाब से इसका रेट बढ़ता है। यहाँ पर बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 2 पे आप ये होटल ले सकते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं यमुना किनारे एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे हम लोग ने नौका विहार चूज किया, यहाँ 100 रुपये आप दे के यमुना नदी से एक मतलब छोर से कंस के महल के थोड़े पास, तो आप आ सकते हैं विश्राम स्थल तक बाय नाव से। और शाम की जो आरती होती है वो आरती बहुत खूबसूरत होती है, थोड़ी डिफरेंट आरती होती है मथुरा में बनारस या ऋषिकेश की तुलना में। तो इस आरती का भी आप नज़ारा लुत्फ ले सकते हैं। तो यह है यमुना जी का किनारा, और वो सामने आप देख रहे हैं वह है कंस महल। तो आप कंस महल विजिट कर सकते हैं, साथ साथ में आप इस बोट से आ सकते हैं। हम लोग बोट से बैठे थे उधर 100 रुपये पर हेड के हिसाब से। तो हम लोग इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर फिलहाल। तो अभी फिलहाल हमें विश्राम स्थल में, बताते हैं कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पर ही आराम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम स्थल है। बिल्कुल विश्राम स्थल से ऊपर की ओर गली की ओर चल के हम लोग पहुँचे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक है, उसके बाद मंदिर क्लोज था, शाम को वापस 4 बजे खुलता है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्लान करना, ताकि आप सुबह या शाम कभी भी मंदिर में दर्शन कर सकें। मंदिर के अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
तो मोबाइल मतलब जेब में रख के आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अंदर आप फ़ोटो वोटो खींचना वर्जित है। तो बाहर इसके आप अपने जूते चप्पल उतार के जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आए हैं घूमने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली। तो श्री कृष्ण जन्मस्थली के अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको ये रहेगा कि आप सारा सामान अपना होटल पर रख के आ जाएँ, सिर्फ आपकी जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। और उस श्री कृष्ण जन्मस्थली के बाहर से बहुत सारे शॉपिंग एम्पोरियम है, तो आप हर सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी की इवन गाड़ी की चाबी तक आपकी नहीं जाएगी। तो सामने है श्री कृष्ण जन्मभूमि। थोड़ा यहाँ पे मंदिर और मस्जिद का विवाद है, इसकी वजह से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको पूरे मथुरा में जन्मभूमि काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको वहाँ काफ़ी सुखद अनुभव होगा, क्योंकि मथुरा फेमस ही श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के लिए है। तो यहाँ पर आप सुबह या शाम दोनों टाइम आप आ सकते हैं। सुबह का देखने का नज़ारा आपका थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। बाहर आके आप फ़ोटो ऐसे खींच सकते हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट है, तो वहाँ पर आकर के आप फ़ोटो आराम से खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर अगर प्रवेश आपको करना पड़ेगा तो आप गेट नंबर 2 से कीजिए, क्योंकि बाकी गेट में इसमें हमें गेट नंबर 3 और गेट नंबर 1 में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाहर है पोथरा कुंड। पोथरा कुंड का भी नज़ारा रात को बहुत अच्छा है, लेकिन उसका नाम पोथरा कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद उनके पहले वस्त्र इसी कुंड में धोए गए थे, इसलिए इसका नाम है पोथरा कुंड। तो पोथरा कुंड के पास में ही गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 है, और आप पोथरा कुंड से ही मतलब गेट नंबर 2 से आप प्रवेश कीजिए, तो आपको आपके बिल्कुल आसानी होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि में आने की। उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। और शाम के देखिए ये पेड़ के पीछे जो यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर है जन्मभूमि, और इधर आपको तो ये दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल वो टॉप से, ये है मस्जिद का गुंबद। तो इन्हीं दोनों के बीच में विवाद है, इसलिए मंदिर के अंदर मतलब मोबाइल और सब कुछ बैन है। आपको बस खाली अपना जमा करना है गेट पर। बहुत सी सुविधा है गेट पर, आप 2 रुपये दे के अपना मोबाइल जमा कर सकते हैं, 5 रुपये दे के अपना बैग जमा कर सकते हैं। तो सब कुछ सामान जमा हो सकता है और अंदर आप जाके, और रात के टाइम का जो व्यू है ये जन्मभूमि का वो बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में लेजर लाइट शो होता है जो काफ़ी खूबसूरत होता है। अगर आप दिन में भी गए तो रात को भी जरूर जाइए, क्योंकि 9 बजे के अंदर आप पहले अंदर प्रवेश कर सकते हैं। शाम में के टाइम पे पोथरा कुंड में भी जो लेजर लाइट शो होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त ब्लॉग था मेरा, क्योंकि भीड़ भाड़ रखे ब्लॉग बनाना बहुत कठिन होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जो बता के, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आदि